हाथरस के एसएसडी पब्लिक स्कूल में एसटीएओ के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सेक्सरिया सुशीला देवी पब्लिक स्कूल में मंगलवार को एसटीएसओ प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रतियोगिता हाथरस के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 8 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित कराई गई थी। इस प्रतियोगिता में 500 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को ढूंढना था जो विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान आदि सभी विषयों में निपुण हो। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सुचेता जॉन, विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची सेंट एंथोनी की प्रधानाचार्य शालिनी श्रीवास्तव, सनशाइन स्कूल के प्रधानाचार्य जेपी शर्मा, एसआरजी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य रूपाली गुरहा और मॉडर्न आइडियल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य मीरा वाष्णेय, विद्यालय के प्रबंधक दिनेश सेकसरिया, विद्यालय सचिव गौरांग सेकसरिया, प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश दिगंबर पाटिल, उप प्रधानाचार्य कमलेश कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण किया। सेकसरियन टैलेंट सर्च ओलंपियाड का आयोजन हमने हाथरस और हाथरस परिसर में जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनके अंदर स्पर्धात्मक परीक्षाओं में रुचि निर्माण होने के लिए किया था। आमतौर पर हमारे बच्चे जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन्हें एकेडमिक, उन्हें स्पर्धात्मक परीक्षाओं का यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआईएम्स जैसे परीक्षाओं का कोई परिचय नहीं रहता, ओरिएंटेशन नहीं रहता। तो इन परीक्षाओं में बच्चों की रुचि बढ़े, स्पर्धात्मक परीक्षाओं में उनकी रुचि बढ़े, इसलिए रामनाथ सेकसरिया एजुकेशनल ट्रस्ट के पहल से हमने यह सेकसरियन टैलेंट सर्च ओलंपियाड का आयोजन किया था, जिसमें क्षेत्र के टैलेंट को हंट करके उसे प्रोत्साहित करना, उत्तेजन देना और उसका अप्रिशिएशन करना, यह हमारा इसके पीछे उद्देश्य था। यह स्पर्धात्मक परीक्षा एसटीएसओ